पाप मचनी एकादशी 2019 इस दिन व्रत करने से मिलेगी अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिससे जाने अनजाने पाप नहीं हुआ हो। पाप एक प्रकार की गलती है जिसके लिए हमें दंड भोगना होता है, परंतु शास्त्रों के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रख कर पाप के दंड से बचा जा सकता है। पुराणों के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी कहते हैं, जिसका अर्थ है पाप को नष्ट करने वाली। एक कथा के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि राजा मानधाता ने एक समय में लोमश ऋषि से जब पूछा कि मनुष्य जो जाने अनजाने पाप कर्म करता है उससे कैसे मुक्त हो सकता है, तब उन्होंने इस दिन की महत्ता वर्णित की थी। राजा मानधाता के इस प्रश्न के जवाब में लोमश ऋषि ने एक कहानी सुनाई कि एक समय में चैत्ररथ नामक सुंदर वन में चेवन ऋषि के पुत्र मेधावी तपस्या में लीन थे। इस वन में एक दिन मंजुघोषा नामक अप्सरा की नजर ऋषि पर पड़ी तो वे उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने हेतु यत्न करने लगी। कामदेव भी उस समय उधर से गुजर रहे थे कि उनकी नजर अप्सरा पर गई और वे उसकी मनोभावना को समझते हुए उसकी सहायता करने लगे। अप्सरा अपने यत्न में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए और काम के वश में होकर शिव की तपस्या का व्रत भूल गए। कई वर्षों के बाद जब उनकी चेतना जगी तो उन्हें एहसास हुआ कि वे शिव की तपस्या से विरक्त हो चुके हैं। तब उस अप्सरा को तपस्या भंग करने का दोषी मानकर क्रोधित ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। श्राप से दुखी होकर वह ऋषि के पैरों पर गिर पड़ी और मुक्ति के लिए विनती करने लगी। तब ऋषि ने उसे विधि सहित चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। भोग में लीन रहने के कारण ऋषि का तेज भी नष्ट हो गया था, इस कारण उन्होंने भी इस एकादशी का व्रत किया। ऐसा करने से उनके पाप का नाश हुआ और अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाची योनि से मुक्त हो गई। अपना सुंदर रूप प्राप्त करके वे स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। इस व्रत के विषय में भविष्योत्तर पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रत का आरंभ दशमी तिथि से ही हो जाता है। उस दिन एक बार सात्विक भोजन करें और मन से भोग विलास की भावना को निकाल कर भगवान श्री विष्णु की प्रार्थना करें। एकादशी के दिन प्रातकाल स्नान करके व्रत का संकल्प करें। संकल्प के उपरांत षोडशोपचार सहित विष्णु जी की पूजा करें। पूजा के बाद भगवान के समक्ष बैठकर व्रत की कथा का पाठ अथवा श्रवण करें। एकादशी तिथि को जागरण करने से कई गुणा पुण्य मिलता है, अतः रात में निराहार रहकर भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करें, अंत में स्वयं भोजन करें।